सो गाइस आज जो मेन मेन काम है वो ग्राउंड नट में इरिगेशन करना है और ब्लैक ग्राम हार्वेस्टिंग टोटली कर देना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक हमको एक न्यू क्रॉप सो करना है वहाँ पे। तो ये दो काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इनका क्रॉप ओवर हो चुका है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे न्यू क्रॉप लगाने वाले हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। तो स्वीट कॉर्न है वो, शायद स्वीट कॉर्न की हार्वेस्टिंग चल रही है। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उठना रे, उठना रे, के उठुलते रहो, पैर उठोनी, उठा बे, मुंह जाऊ चेस्ट से, बिग बॉक्स और कुछ। सही मुंड छोड़ो, रांशु इरिगेशन चल रहा है। इरिगेशन तो चल पानी पोसी जी रेडी कैसा है? रेडी कैसा है ये तो ब्लू ब्लू रेडी फटा को इधर एड़ी कौन दबो ये पुर कौन स्टार्ट जी देखो ए इतने खलो बस। आप ये क्या करना है, आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा चैनल बना दो ऐसे कॉर्नर पे, देख दो, मैकेनिज्म क्या है, कैसे जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे, पानी शॉर्ट होगा तो नहीं जा पाएंगे, पानी है तो जा पाएंगे, खाना खा लिया, पानी पियोगे तो डाइजेस्ट होगा, पानी नहीं पियोगे तो। एक है सॉइल को लूज करना, so that peg ganapur can go inside the soil loose, so loosening, one is peg formation pure, irrigation is most critical for two reasons, one is what development depth of water for groundnut is 6 cm empty rock is groundnut